नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, सीधा राजधानी पटना से है, जहां पर शहर में जल जमाव का निरीक्षण करने निकले हैं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। बड़ी जानकारी, पथ निर्माण मंत्री और कुम्हरार विधायक भी मौजूद। चार जगहों का निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। जल जमाव की लगातार आ रही शिकायतों के बाद डिप्टी सीएम ने लिया संज्ञान। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी पटना से, जहां पर वो खुद ग्राउंड पर जाएंगे और शिकायतों के बाद अब जल जमाव की स्थिति का निरीक्षण भी करेंगे। इस दौरान पथ निर्माण मंत्री और कुम्हरार विधायक भी मौजूद रहेंगे। चार जगहों का निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। बड़ी खबर पटना से, जहां पर शहर में जल जमाव का निरीक्षण करने निकले हैं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। पथ निर्माण मंत्री और कुम्हरार विधायक भी उनके साथ मौजूद है। चार जगहों का निरीक्षण करेंगे तारकिशोर प्रसाद। जल जमाव की लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद खुद डिप्टी सीएम एक्शन मोड में आ गए हैं और अब वो खुद ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए चार जगहों पर जाएंगे और वहां पर जल जमाव की स्थिति का निरीक्षण करेंगे। तो शहर में जल जमाव का निरीक्षण करने निकले हैं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। पटना से बड़ी जानकारी, पथ निर्माण मंत्री और कुम्हरार विधायक भी मौजूद है। चार जगहों का निरीक्षण करने वाले हैं तारकिशोर प्रसाद। जल जमाव की लगातार आ रही शिकायतों के बाद डिप्टी सीएम ने लिया संज्ञान। लगातार शिकायतें आ रही थी जल जमाव की को लेकर, जिसके बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद खुद एक्शन मोड में आ गए हैं और अब चार जगहों का निरीक्षण करने वाले हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुप्रकाश जुड़ चुके हैं। अनुप्रकाश, आज तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम जल जमाव की लगातार आ रही शिकायतों के बाद ग्राउंड पर उतरे हैं और चार जगहों का निरीक्षण करने वाले हैं। किन किन चार जगहों का वो निरीक्षण करने वाले हैं अनु? जी नीपुर, आपको बता दें कि आज जो है ये मानसून के लेकर जो है उन्होंने निरीक्षण करने का निर्णय लिया और पटना के पहाड़ी बाईपास नाला, सैदपुर नाला, बाकरगंज नाला, जगदंडीबाग नाला, चूड़ी नाला का निरीक्षण करते हुए वो सभी जगह का निरीक्षण करेंगे और करते हुए जो है किस तरह से इस पानी जल जमाव से पटना वासियों को निजात मिले, इसको लेकर सभी को ये अपने असर से जो है लोगों को ड्यूटी पर कार्यों पर लगा दिया गया है और लोग जो है कर्मचारी जो है इसके एक्शन में दिख रहे हैं। जी अनु, ये बहुत जरूरी भी था क्योंकि हमने कई तस्वीरें ऐसे देखी थी जिसमें मॉनसून की पहली बारिश ने पटना की सड़कों का हाल बेहाल कर दिया था, प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी थी। वो तो जी, ये तो साफ तौर से आप पिछले दिनों भी देखे थे कि एक दिन की ही बारिश में जो है जल जमाव से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी और लोग जो है परेशान हो रहे थे, उन्हें तो आने जाने में भी काफी कठिनाइयां हो रही थी, लोग का जीवन जो अस्त हो चुका था। उसको लेकर जो है बिहार के डिप्टी सीएम जो है तारकिशोर प्रसाद कल शाम पर ही बैठक की है। बैठक के बाद जो है आज सुबह सुबह ही उन्होंने सभी सेल्फ हाउसों का निरीक्षण करने खुद से निकल गए, साथ में उनके साथ आपको नितिन नवीन मंत्री, बीजेपी के मंत्री जो थे वो भी थे साथ में, जितने आला अधिकारी साथ में उनके साथ निकलते सभी जितने भी सेल्फ हाउस है पटना में, उन सभी चारों जगह का निरीक्षण करते हुए उन्होंने ये निर्णय दिया है सभी कर्मचारियों को कि किसी भी हालत में आपने जो भी जल जमाव की समस्या हो उसे जल्द से जल्द जो है निपटा जाए और जितने सेल्फ हाउस है उसको जल्द से जल्द जो भी अगर कोई सेल्फ हाउस खराब है उसे ठीक किया जाए। जी बिल्कुल, शुक्रिया अनु तमाम जानकारी हमसे पहुंचाने के लिए। तो पटना से बड़ी खबर, जहां पर शहर में जल जमाव का निरीक्षण करने को डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद निकले हैं, चार जगहों का वो निरीक्षण करेंगे।